इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्वैप की एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लेकर से प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें आपको मेंशन किया है आईबी एंड बी की फेज ऑफ फ्लोइंग इंटरेस्ट रेट्स। तो मीन दो कंपनीज हैं आईबी एंड बी की, उनके दोनों रेट लिए हैं आपको। ये यूएस डॉलर का लोन है फ्लोटिंग रेट, और एक उनके पास दूसरा लोन है जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसका रेट है फिक्स रेट। तो जैसे लिबोर प्लस 1.5%, एल प्लस 1.5 एंड लिबोर प्लस 2%। लिबोर को मैंने शॉर्ट में लिखा है एल, और फिक्स रेट मिल रहा है 6% एंड 7.5%। तो आई बी वांट्स टू बोरो यूएस डॉलर एट ए फ्लोटिंग रेट। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको दे रखी है, तो इसको बोरो करना है यूएस डॉलर का फ्लोटिंग रेट। एंड बी टी वांट्स टू बोरो जीबीपी एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोरो करना है जीबीपी फिक्स रेट। अब बैंक की जो विलिंग टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी विद 50 बेसिस पॉइंट एज इट्स रेमुनरेशन। तो एक बैंक है जो आपकी डील करेगा स्वैप की, पूरी का आगे स्वैप बैंक, और उसको कमीशन चाहिए अपनी 0.5%, उसकी फीस है ये स्वैप फीस। इफ स्वैप इज अट्रैक्टिव वो आई बी एंड बी पी एस 60 एंड 40%। अब जो भी सेविंग आएगी वो आपने दोनों में डिवाइड करनी है, इनका रेशो ऑफ 60:40। सो वी हैव टू कैलकुलेट द बट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ पार्टीज। तो सिंपल क्वेश्चन नॉर्मल है, तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए दोनों के लिए। नंबर वन आई बी, सेकेंड जी क्यू बी टी एंड कोकल। मतलब कि टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट विच इज विदाउट स्वैप, इतनी जगह को स्वैप एंकर नहीं करके हैं। दोनों कंपनी अपना अपना लोन अरेंज करेंगी, तो ये कंपनी अरेंज करेगी फ्लोटिंग रेट, उसका रेट है इसका लिबोर प्लस 1.5, और ये कंपनी अरेंज करेगी फिक्स रेट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। तो इतनी टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी एल प्लस 9%। अब देखिए वो स्वैप एंटर करके हैं, बाकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पार्टीज के लिए ये फॉर फिक्स स्वैप, इतने अब आईबी कंपनी अरेंज करेगी फिक्स रेट लोन 6%, और ये अरेंज करेगी फ्लोटिंग रेट एल प्लस 2। टोटल कॉस्ट आएगी आपकी एल प्लस 8%। तो आपको सेविंग हो रही है स्वैप के एंटर होने से, बाकी जो सेविंग विद स्वैप गेटेड 1%। इसमें से स्वैप बैंक की फीस चली जाएगी आपकी, स्वैप बैंक फीस है आपकी 0.5%। बैलेंस रहेगी आपकी नेट सेविंग, तो बाकी जो नेट सेविंग जिसे 0.5%, इसको आप डिवाइड कर दो 60:40 में, तो इतनी 60% बन जाएगा। इसकी नेक्स्ट सेविंग आ गई 0.3%, और इसकी आ जाएगी 0.2%। तो इस तरीके से आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी दोनों की इंटरेस्ट की। तो इसकी कॉस्ट ही आपकी देखो जिस मंथ एल प्लस 1.5 माइनस करको सेविंग, उसकी कॉस्ट रहेगी एल प्लस 1.2%, और इसके लिए रहेगी आपकी 7.5 माइनस जिस। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड डू थोरोली। इसमें देखो आपको मेंशन किया है डेरिवेटिव बैंक एंकर इनको प्लेन वनीला स्वैप थ्रू एन ओआईएस ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ओनली प्रिंसिपल ऑफ रुपये 2 करोड़ से। उसमें आपको लोन का अमाउंट दे रखा है, लोन अमाउंट
ये रुपीज 2 crores एंड एग्री टू रिसीव मिबोर ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट फॉर ए फिक्स्ड पेमेंट ऑन प्रिंसिपल। तो इन्होंने स्वैप एंटर किया है, तो एक डेरिवेटिव बैंक है, तो बैंक है ये एंटर्ड इनटू स्वैप। और उसकी जो टर्म्स हैं, एक हैश टू रिसीव, तो इसको रिसीव होना है मिबोर, इतने बिजली कार्ड फ्लोटिंग रेट। एंड फॉर ए फिक्स्ड पेमेंट, और इसने पे करना है टू पे फिक्स्ड। रिसीव करना है फ्लोटिंग, पे करना है अपने फिक्स्ड। द स्वैप वाज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे 5th जुलाई, तो आपने मंडे को एंटर किया है स्वैप। इसकी डेट भी आपको दे रखी है, जिसे जो 5th जुलाई। एंड वाज टू कमेंस ऑन 6th जुलाई, तो नेचुरली है जब आप मंडे को एंटर करेंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो इफेक्टिव होता है 6th जुलाई से। तो मीन्स देखिए, अपने फ्लोटिंग रेट है, आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो आज आप स्वैप एंटर करोगे तो नेक्स्ट डे आपको पे होगा या रिसीव होगा, देखिए डेली बेसिस है। एंड वाज टू कमेंस ऑन 6th जुलाई एंड रन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, तो देखिए स्वैप हमने एंटर किया है 7 डेज के लिए, 4 7 डेज। एंड रिस्पेक्टिव मिबोर रेट्स फ्रॉम ट्यूजडे को मंडे आर किस मंथ, अब आपको मिबोर के रेट्स दे रखे हैं, मिबोर रेट्स फ्रॉम ट्यूजडे, इट मीन्स ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन इट इज फ्राइडे, देन इट इज सैटरडे, संडे इज हॉलीडे, थर्सडे फ्राइडे, देन इट इज सैटरडे, संडे इज हॉलीडे, वी आर सेइंग एंड 365 डेज इन ईयर, और ये रेट्स हैं आपको मंगे। तो आपको मिबोर का रेट है आपका 8.7% परसेंटेज में है आपके, यानी कि 9.10। और जो भी इंटरेस्ट होता है हमेशा जैसे क्वेश्चन साइलेंट है वो पर एनम होता है, जैसे पर एनम 9.12, 8.95, 8.98 एंड 9.10। ये आपके डेली बेसिस पर चेंज हो रहे हैं। तो संडे होलीडे है आपके, 365 डेज आपको लेने हैं, वर्क इन राउंडेड रुपीज में आपको कैलकुलेशन करनी है, एंड अबाउट डेसिमल वर्किंग, वो आपको कैलकुलेट करना है। वट इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं, तो जो फिक्स्ड रेट है ना ये आपका मिसिंग है। एंड इट इज गिवन दैट एंड इंटरेस्ट अब बैंक ने रिसीव किया नेट इंटरेस्ट रुपीज 507 ऑन नेट ऑन सेटलमेंट। इट इज गिवन बैंक रिसीव्स नेट इंटरेस्ट ऑन सेटलमेंट जिसे इक्वल टू रुपीज 507। उनको बैंक को रिसीव होने हैं, इस टाइम से जो नेट इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो जो रिसीव्स हैं आपकी वो पेमेंट से ज़्यादा हैं, तो उसका नेट अमाउंट आपको दिया है। वो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स रेट हमारा मिसिंग है, तो पहले हम कैलकुलेट करके कि कितना अमाउंट बैंक को रिसीव हो रहा है, क्योंकि उसका फ्लोटिंग रेट आपको दे रखा है, तो उसका टेबल बना के हम, और अमाउंट ऑफ लोन है 2 crores का, तो वो जो अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, उसका टेबल ड्रा कर लेते हैं या मेंशन कर लेते हैं दे, क्योंकि आपने मंडे को एंटर किया है, तो पहला इंटरेस्ट मिलेगा ट्यूजडे को आपको, यानी कि जो वेडनेसडे, यानी कि जो थर्सडे, यानी फ्राइडे, यानी कि जो सैटरडे एंड जो संडे, आल्सो संडे आपकी हॉलीडे है, सैटरडे एंड संडे, यानी कि जो मंडे,
ये अब आप कैलकुलेट कीजिए, वट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपका 2 करोड़ है अमाउंट, इट मीन्स 200 लाख। अब सेटलमेंट होनी है आपकी आफ्टर 7 डेज, तो आप देखो डेली बेसिस पर कितना इंटरेस्ट है, वट इज इंटरेस्ट, इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए आप, 8.7%, 1 दिन का टोटल लेने हैं आपको 365 डेज, ये आपका अमाउंट आ जाएगा रुपीज में, राइट। जैसे 200 लैक्स इंटू 8.7% डिवाइडेड बाई 365, जैसे 4767, तो आपने होल अमाउंट है रुपीज में राउंड ऑफ कर गए ना। नेक्स्ट डे अब आपका देखो टोटल लोन जो है गिस प्लस गिस हो जाएगा 200004767, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 9.1%, दिस इज ऑल्सो फॉर 1 day 365, तो दिस इज 200004767 इनको 9.1% डिवाइडेड बाई 365, तो दिस अमाउंट इज 4987। नेक्स्ट टाइम ये भी ऐड हो जाएगा अब इसमें 200004767 प्लस 4987, सो टोटल है कि बिकम 200097754। अब आपका इंटरेस्ट हो गया 9.12%, अगेन फॉर 1 day, सो राइट, तो जिस मैंने जो बिकमिंग 5000, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका प्लस 5000, नाउ टोटल बिकम 200014754। अब इंटरेस्ट है आपका 8.95%, दिस इज ऑल्सो फॉर 1 day 365। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और वो हमारा एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि फ्लोटिंग रेट आपका डेली चेंज हो रहा है, और सेटलमेंट करेंगे हम 7 डेज के बाद, तो जिस इंटरेस्ट रेट बिकमिंग 4908, ये भी आपका प्लस हो जाएगा प्लस 4908, तो किसी बिकमिंग 200019662। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8.98%। अब ये सैकड़े का रेट है, तो उसका मतलब ये गोगिंग चलेगा सैकड़े संगे, सो किसी 4 2 days 1962, जैसे ये 9851, ये भी ऐड हो जाएगा फिर प्लस 9851, टोटल अमाउंट की नाउ 200029, सो 513। अब रेट हो गया आपका 9.1% फोर 1 day, सो दिस अमाउंट के लिए 4994, ये आपका टोटल बन जाएगा इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, राइट। इसका टोटल लीजिए, टोटल अमाउंट आ रहा है 34507। अब इसमें से एक आप लेस करके हो जो आपने पे किया है, लेस पेड फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, वो आपका मिसिंग है, लेकिन से वो एक्स है, तो नेट रिसीव कितना हो रहा है आपको उसको लेस करके आ जाएगा नेट रिसीव, वो हमें लिया है 507, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बैंक ने जो पेमेंट किया है फिक्स इंटरेस्ट की वो है गिस माइनस गिस, जिस की कमिंग 34000, ये पेमेंट आ गई आपकी। अब इसका रेट निकालना है, सो देयर फोर बताइए फिक्स रेट तो हम निकालेंगे पा रहे हैं ना, अब ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ना फिक्स जो आपने पे किया ये 7 डेज का है, तो फिक्स रेट कैसे निकलेगा आपका, जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ये बाकी वे लोन अमाउंट जिसे जो 2 करोड़ 200 लाख, इसकी बनाई परसेंटेज, अब ये जो परसेंटेज आएगी ये 7 डेज की है, इसको बना दो पर एनम, जिसे फॉर 7 डेज वट विल बी फॉर 365 डेज, तो एक साल में है आपके 365 डेज,
this will be 34,000 divided by 200 lakhs into 365 divided by 7. This is coming 8.8643%. ये आपका फिक्स रेट आ जाएगा जो आपने पे किया है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है जो आपने पे किया है 34, और जो रिसीव हो रहा है वो है आपका 34,507। तो गुड क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, पहले आप समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन है इसमें स्वैप्स में, प्रॉब्लम नंबर 11। तो किसी की लास्ट क्वेश्चन है वो स्वैप, इसमें देखो आपको मेंशन किया है ए इनकॉर्पोरेशन एंड बी इनकॉर्पोरेशन इन टैंकी को बोरो डॉलर 2 लाख। दो कॉर्पोरेशन है, ए इनकॉर्पोरेशन एंड यू बी इनकॉर्पोरेशन, दे वांग टू बोरो, उन्होंने बोरो करने हैं, ए ने बोरो करने हैं डॉलर 2 लाख, और बी ने बोरो करने हैं आल्सो डॉलर 2 लाख बट इन येन, इसमें इसने येन बोरो करने हैं, उसका अमाउंट देखते हैं जैसे इक्वल टू, जिसकी वैल्यू है इक्वल टू 2 लाख डॉलर। सो फॉर ए टाइम होरिजन ऑफ 1 ईयर, एक साल के लिए बोरो फॉर 1 ईयर। सो एंड दे कैन गेट, अब इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स के ऊपर वो आपको दिए हैं। सो कंपनी ए कैन गेट येन लोन, येन का लोन मिल रहा है, एंड इट कैन ऑल्सो गेट डॉलर लोन। तो येन लोन इज अवेलेबल है टू 5% एंड डॉलर लोन है टू 9%। वैसे बी इनकॉर्पोरेशन को मिल रहा है येन लोन 8% और डॉलर लोन मिल रहा है 10%। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है डॉलर लोन की, इसकी रिक्वायरमेंट है येन लोन की, ये इनकी रिक्वायरमेंट है जो इनको मिल रही है। जब प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट है आपका डॉलर 1 इक्वल टू येन 120, तो आपको एक्सचेंज रेट दिया है, तो किसी के ऊपर एक्सचेंज रेट किसी की येन 120 पर डॉलर, तो इट मीन्स एक डॉलर के लोन को आप येन में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कर लीजिए येन 120, उसकी वैल्यू आ जाएगी येन में किसी की 24 किसी की 240 लैक्स येन, ये आपका लोन बन जाएगा येन में। सो दे एंटर्ड इन ए करेंसी स्वैप अंडर विच एक्ल एग्री गैट बी इनकॉर्पोरेशन विल पे ए इनकॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट। तो पहले देखते हैं स्वैप का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि स्वैप पॉसिबल है या नहीं। इट मीन्स इफ देयर इज नो स्वैप वट इज टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू ए इनकॉर्पोरेशन एंड टू बी, उस केस में ए अरेंज करेगी अपना डॉलर लोन, उसकी कॉस्ट है 9%, बी विल अरेंज येन लोन 8%, टोटल कॉस्ट है आपकी 17%। एंड इफ वी एंटर इन टू स्वैप विद स्वैप वट इज टोटल कॉस्ट, इट मीन्स इट विल अरेंज येन लोन 5% एंड इट विल अरेंज 10% 15%, तो आपको सेविंग हो रही है 2%। इट मीन्स स्वैप इज पॉसिबल, तो स्वैप का आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर इसमें आपको सिस्टम किया है, ये आप देखें ए इन कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए इन कॉरपोरेशन, मीन्स अब जो ए है वो अरेंज करेगी येन लोन, ए विल अरेंज येन लोन, उसके ऊपर इसको पे करना पड़ेगा 5% ऑन इट इट विल पे इंटरेस्ट। देखो येन का कितना लोन है 240 येन, तो इसको पे करना पड़ेगा येन 240 लाख के ऊपर 5%। सो दिस विल कम्स, दिस इज कमिंग 240 × 5%, तो येन आ गया आपके जैसे कि 12 लाख। अब वो कह रहे हैं कि
अब जो कंपनी है बी, अब ये जो लोन है ये हम स्वैप कर देंगे बी को, तो येन लोन स्वैप्ड टू बी, ये बी को स्वैप हो जाएगा, तो इसके ऊपर अब इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इट विल रिसीव इंटरेस्ट। अभी आपको दिया है इसमें, तो यह तो बी इनकॉर्पोरेशन विल पे ए इनकॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट विच द लेटर विल हैव टू पे एज ए रिजल्ट ऑफ एग्री करेंसी स्वैप। अब जो बी है इसको 1% ज़्यादा पे करेगी, इट मीन्स ये पहले 5% पे कर रही है तो उसको मिलेगा अब 6% येन 240 लाख के ऊपर आपको मिलेगा 6%, दिस विल बी इन येन, जिसे 240 लाख 240 × 6% तो 14,40,000, तो बाकी इसका बेनिफिट हो जाएगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी बेनिफिट। इट मीन्स बाकी जो नेट बेनिफिट टू ए इनकॉर्पोरेशन येन 14, ये आपको रिसीव हो रहा है ये पे किया है, तो जिस मायने के 240 का आपको बेनिफिट हो रहा है, और आगे जो स्पॉट रेट है येन का वो है 120, ये सेम ही है आपका, चेंज नहीं हो रहा है, तो बेनिफिट आपका डॉलर्स में आ जाएगा, दिस विल बी इन डॉलर, दिस इज 2,000 डॉलर, उसका बेनिफिट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है वो बी के लिए। नाउ दे आर सेइंग दैट ए इनकॉर्पोरेशन विल रीइंबर्स इंटरेस्ट टू बी इनकॉर्पोरेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इन वेरिएंट क्वांटिफाइड अपॉर्चुनिटी गेन लो, तो आपको दोनों का गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। तो बी इनकॉर्पोरेशन डॉलर का लोन अरेंज करेगी, सो बी इनकॉर्पोरेशन अरेंजेज डॉलर लोन, और उसके ऊपर उसको पे करना है इंटरेस्ट, तो गोल्डर का लोन है जो को आपका 2 लाख, तो इसके ऊपर इसको इंटरेस्ट गोल्डर का लोन मिल रहा है बी को 10% के ऊपर, उसने पेमेंट करके 10%, इतने से गोल्डर 20,000, अब इसको रिसीव होगा, इट विल रिसीव इंटरेस्ट अब आपको मेंशन किया है जैसे ए विल पे ओनली 9%, इसको रिसीव होगा 9%, तो गोलर के ऊपर आप देखिए 2 लाख से ऊपर आपको मिलेगा 9%, इट मीन गोलर 18,000, तो इसमें आपको लॉस हो गया, तो इसका लॉस आ रहा है गोलर में जैसे 2,000, तो आप देखते हैं इसको कितनी सेविंग हो रही है येन का लोन। अब जो बी है उसको येन लोन मिल रहा था 8% पर उसने कितना पे किया, उसने पे किया सिर्फ 6%, वहाँ सेविंग हो जाएगी, तो वो कैलकुलेट करते हैं सेविंग, तो सेविंग को बी इन येन लोन, तो इसकी अपनी कॉस्ट ही ओन कॉस्ट, तो येन लोन जो उसको मिल रहा था बी को एक बार अवेलेबल एट 1%, बाकी एक है कि पेड थ्रू स्वैप, आपको लिखा गया ना कि बी पे कर रही है 1% ओवर ए को जिस रेट पे मिल रहा है, तो ए को मिल रहा है 5% पे, बी ने 1% ज़्यादा किया है, तो एक में इसने पे किया 6%, तो उसको समझे यहाँ 2% की सेविंग होगी, इट मीन्स सेविंग कितनी आ रही है आपकी, अब ये येन में आएगी आपकी, तो 2% ऑफ यानी के आपके 240 लाख, ये आपकी सेविंग बन जाएगी यान में, जिसे जो 240 लाख इनको 2% फोर यान 4,80,000, इसमें से जो गोलर का लॉस है वो लेस कर दो, लेस लॉस इन गोलर, तो ये आपका लॉस आ रहा है गोलर 2,000,
इसको येन बना लूँ, इसका रेट है येन 120। तो लोस बन गया आपका, लोस डॉलर में 2000 इंटू केस, जैसे कमिंग टू 240, ये भी हमने येन बना लिया। तो इसको नेट गेन हो रहा है, नेट गेन येन में डेट इज 2,40,000। इसको भी आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉलर में कैलकुलेट करना है। आप इसको डिवाइड कीजिए डेसिमल गेन येन में और इसके डॉलर बन जाएंगे। सो 240 रेट है आपका 120, इतनी से डॉलर में आ रहा है 2,000। इसमें दोनों पार्टी का जो गेन है वो है डॉलर में 2,000, विच इज 1%। तो 1% की दोनों को सेविंग होगी। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, आप ध्यान से कीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो ये हमने डिस्कस किए सारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्वैप्स थी। तो ऐसे नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। थैंक यू।